हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरा हेयर केयर रूटीन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो वैसे ये मेरा हेयर केयर रूटीन बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बता पाऊँ कि किस तरह से आप अपने हेयर्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा तो हेल्दी नहीं है, बट हाँ जितने भी हैं मस्त हैं। सो आप भी ये सोचकर खुश रहिए कि आपके बाल जितने भी हैं मस्त रहें, बस अच्छे रहें। तो उन्हें पोषण आपको कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो केयर करने की बारी आती है कि वीकली केयर आप कैसे करें। तो वीक में जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो उसके पहले वन नाइट पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयलिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बिना ऑयल के ही बालों को वॉश कर लेंगे तो वो धीरे धीरे अपने जो मॉइस्चराइजर है उसे खोते जाएंगे एंड एक समय आएगा जब आपके बाल हो जाएंगे बिल्कुल झाड़ू की तरह। एंड आई नो कि झाड़ू जैसे बाल तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे ना किसी को भी पसंद नहीं आते हैं, तो आपको भी पसंद नहीं आएंगे। सो अब बारी आती है कि आखिर आपको हेयर वॉश करना कितने टाइम चाहिए। सो इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस कि आप कम से कम वीक में दो बार अपने बालों को जरूर वॉश करें ताकि आपके बाल बिल्कुल हेल्दी एंड आपके बाल अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। एंड फिर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, यार मेरे बाल तो इतनी लेंथ में आके रुक जाते हैं, मेरे बाल बढ़ते नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आप तो उनके लिए कुछ करते नहीं हो ना, उनको तो आप पोषण दे ही नहीं रहे हो। अगर आप उनको पोषण नहीं दोगे तो आपके बाल कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बालों को ऑयलिंग करना, उसके बाद में आपके बालों को प्रॉपरली वॉश करना एंड शैम्पू भी आप ऐसा चूज करें जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज बिल्कुल भी ना हो। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डैंड्रफ से कैसे बचाएं अपने बालों को। तो पहले ऐसा होता था कि मैं नॉर्मल दूसरे शैम्पूज यूज कर लेती थी, कभी भी कुछ भी यूज कर लेती थी। सो एक समय बाद क्या होता था कि डैंड्रफ मेरे बालों में आ जाते थे। हेड एंड शोल्डर से ही मैंने अपने बालों को धोना स्टार्ट किया एंड मेरे बालों से डैंड्रफ बिल्कुल छूमंतर हो गया। तो अगर आप वीक में दो बार अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही वॉश कीजिए। एंड अगर आप बजट एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहते हैं और बढ़िया एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहते हैं तो हेड एंड शोल्डर से बढ़िया कुछ हो ही नहीं। अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, हेयर वॉश करें तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हेयर वॉश करते तो बड़े फ्रिजी फ्रिजी से लगते हैं, जैसे अभी मेरे लग रहे हैं। पता है क्यों लग रहे हैं? बिकॉज मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की एंड जस्ट ऐसे ही मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया तो ये हल्के से फ्रिजी फ्रिजी से हो गए हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि मैंने वॉश करने के बाद में डायरेक्ट कॉम्बिंग नहीं की। अब आप बोल रहे होंगे वॉश करने के बाद में डायरेक्ट कॉम्बिंग, इसके लिए तो हर कोई मना करता है। हाँ मैंने भी बहुत सुना है कि बालों को सूखने के बाद ही कॉम्बिंग करना चाहिए, लेकिन जब भी मैंने ये ट्राई किया तो गीले बालों से ज्यादा तो मेरे सूखे बालों में बाल गिरते थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बालों को कॉम्बिंग गीले बालों में ही कर लूंगी। एंड मुझे नहीं लगता कि जितने बाल मेरे सूखने के बाद झड़ते थे उतने बाल मेरे गीले में झड़ते होंगे, क्योंकि कॉम्बिंग करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप कॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरीके से अपने बालों को पकड़िए, ठीक है, इस तरीके से नीचे से एंड नीचे से कॉम्बिंग करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से जैसे ही आपके नीचे के टैंगल्स छूट जाएंगे आप देन थोड़ा सा ऊपर पकड़िए एंड देन यहाँ पर आप अपने बालों को एंटी टैंगल कीजिए इस तरह से। फिर आप अपने पूरे हेयर्स को इस तरह से आप एंटी टैंगल कर लीजिए। तो अगर इस प्रोसीजर से आप गीले बालों में भी अपने बालों में कॉम्बिंग करेंगे तो भी आपके बाल टूटने वाले बिल्कुल नहीं है। इवन इतने इजीली आपके बाल हो जाएंगे ना एंटी टैंगल कि आपको पता भी नहीं चलेगा एंड साथ ही आपके बाल स्ट्रेट भी लगेंगे। ये एक राज है। आज मैंने सूखे बालों में कंघी की तो देख सकते हैं सारी स्ट्रेटनेस ही भाग गई। तो थोड़ा सा स्ट्रेट दिखाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा सीरम लगा के गीले बालों में ही कॉम्बिंग कर दीजिए, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। बस कॉम्बिंग करने का एक तरीका होता है ना गाइस कि आपको आहिस्ता से अपने बाल हैं यार, किसी और के बाल थोड़ी हैं कि इस तरह से खींच खींच के ऐसे नहीं, ऐसे आहिस्ता से आपको अपने बालों में कॉम्बिंग करनी है ताकि आपके जितने भी बालों के टैंगल्स हैं वो अच्छी तरह से छूट जाए और आपके बाल स्ट्रेट भी लगे, शाइनी भी लगे और अच्छी तरह से सुलझ भी जाए। तो मुझे तो भाई गीले बालों में कॉम्बिंग करना पसंद है। कौन कौन गीले बालों में कॉम्बिंग कर लेता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा बाल तो नहीं टूटते ना आपके? मेरे तो बिल्कुल नहीं टूटते। गीले बालों में कॉम्बिंग करना मैं तो प्रेफर करती हूँ और थम्सअप भी देती हूँ इस प्रोसीजर को। नीचे से सुलझाते हुए ऊपर की तरफ जाना है, फिर देखते हैं कैसे नहीं मानेंगे आपके बाल। बटर मिल्क,
बटर मिल्क जो होता है उसे आप अपने बालों को धो लीजिए। कैसे धो लीजिए, आप पहले उसको थोड़ी देर ऐसे जैसे नॉर्मल पानी डालते हैं वैसे डाल लीजिए, अच्छे से अपने हाथों से रब कर लीजिए अपने रूट्स को, शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इस प्रोसीजर को हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, एंड कम है आते जाते रहते हैं तो महीने में दो बार कर सकते हैं, यानी कि 15 डेज में आपको ये प्रोसीजर को यूज़ करना है। एंड बाकी जो रूटीन मैंने आपको बताया आपको वैसे फॉलो करना है। मैं अपने बालों के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ गाइस, बस इतना ही करती हूँ, चाहे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े चाहे मेरे बाल बिल्कुल भी ना झड़े, मेरा एक ही रूटीन रहता है। एंड एक ही रूटीन में बने रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अपने बालों को यू नो छेड़ेंगे वो उतने ही ज़्यादा आपसे दूर भागेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर वाला और चिट-चिट काइंड ऑफ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। और हाँ, जो जो ये गलती करते हैं ना, बिना अपने बालों को ऑयलिंग किए एंड हेयर वॉश कर लेते हैं, उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सो